नवाज भाई क्या हुआ? हसन, अरे नवाज भाई, अरे भैया हसन, हसन, अरे नवाज क्या हुआ? हसन, अरे भाई हाँ, हसन, मैं हसन ही हूँ। हसन मैंने मुराद चाहती। अब हसन अच्छा मेरा भाई एक मिनट ठहर जा, चल इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या हुआ? ओए होए क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तेरी? तू तो आज तेरी हस्पियाल की रिकॉर्डिंग नहीं थी? हाँ वही तसल लगा था। अरे वो तुझे हुआ क्या? मैं ये बताना चाहता जब मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो 12 बज चुके थे। मैंने तो 11 बजे रिकॉर्डिंग पे जाना था। अच्छा, तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने बेगम को कहा, मैंने उसे डांटा, मैंने कहा तूने मुझे सुबह क्यों नहीं उठाया? उन्होंने कहा चार दफा उठाया तुम, चार दफा ही सो गए। उसने आके मुझे डांटा। वो तो चार दफा सोता है? नहीं यार, एक रात में चार दफा सोता है? ओ यार मेरी छोटी सी लाइफ है। अच्छा नहीं तो यार 2 घंटे बस सो जाता हूं मैं। तुझसे छोटी क्या होगी? तू क्या करके मुझ जितनी लाइफ है भाई, इससे जरा सा मुख्तसर सी लाइफ है मेरी। हां अल्लाह बस, मैं तुम्हें क्या बताऊं। बेगम ने मुझे डांटा, जब बंदे की घर से बेइज्जती शुरू हो जाए ना तो बाहर भी 100% बेइज्जती होती है। ये तो रोजमर्रा का सिलसिला है, इसमें परेशानी वाली बात कौन सी? यही तो मर रहा हूं मैं, यही तो मर रहा हूं मैं। क्या बस फटाफट फटाफट मैंने कह दिया, देखा एक घंटा लेट होगा दोनों टायर पंचर। ऊपर मंगवाई, ऊपर 15 मिनट लेट आई। ऊपर में मैं बैठूं तो ऊपर का एसी ना चले, और मैंने कहा तू शीशे नीचे कर, और मैंने उसको शांटे मारे, गाड़ी तेज जिंदाबाद वो करे मुर्दाबाद कह रहा है। 2 घंटे लेट, अल्लाह अल्लाह करके जाके हस्बिहाल की रिकॉर्डिंग पे पहुंचा। जैसी मैं दुनिया टीवी पे पहुंचा सारे रेडी थे। और 11 बजे का टाइम था, तू 2 घंटे लेट आया। इस मामले में तो बड़े पंक्चुअल है वो, तो बस किसी की नहीं सुनते। पर के सुनते तो क्या भाई, उसने ऐसी बेइज्जती की जो मुझे याद था वो भी मैं भूल गया। अब धड़ाधड़ मैं भूले जाऊं वो बेइज्जत किए जाए, क्योंकि घर से जब आदमी बेइज्जत हो जाए तो जगह जगह बेइज्जत होता है। अल्लाह ने करके एपिसोड खत्म किए। वो उन्होंने बस इतना डांटा मुझे, इतना डांटा, इतना डांटा। उसके बाद फिर मैंने घर आना था, ये घर किसका है? ये तो मेरी तरफ आया, ऑफिस है तुम्हारा। अच्छा तूने मुझे बुलाया था? अब मैंने नहीं, तो खुद ही अच्छा भटका यहाँ आ गया। कुछ ज़हनी तवाज़न तेरा ठीक नहीं लग रहा। रिजवान पानी का ग्लास लेकर आ। पानी का तू इजी रिलैक्स हो, रिलैक्स फील कर, कोई ऐसी बात नहीं। रिलैक्स हूँ, ये पानी पियो, पानी पियो आराम से। मुंह से पीते हैं। मैं कौन से कान में डाल रहा हूँ यार? मुंह से बड़ा तेरा नाक है देख तो सही। माशाल्लाह तबीयत ठीक हुई है? ना कर ना कर, इंजन करेगा डड्डू थल्ले आ जाएगा। कोई बात नहीं, रिलैक्स। साहब जी उतो डिगा। ओए नवाज इंजन साहब है तो डिगा। बेवकूफ आदमी सुन तक वे वे मुंह ते तेरा इना वड्डा नक वे परा परा रवि दिलदार वे नक तेरा मुंह तो किना बार वे लाना देवी मैनू टकवे। इसका क्या मतलब है? और इसका मतलब है खड़े रहो, चले जाओ, जाओ, जाओ। क्या हुआ? कैफ लहलिक है वल्लाह जाफी का हदा हदा हुरमा। नवाज तू भी दुबई च खजूरा ला ली है? हुरमा हुरमा हुरमा। ओए इजी इजी ओए, ऊंट दे मुंह च चक कट के शेव करन लिया की बन गई है तेनू? फिलफिल खतीब पता खा मौजूद ना, मैं भी वो कली वाली, मैं फिर मुश्किला तعال داخل हुजरा। ओए खलोते ऊंट दे साए च कलूला करन लिया। आवाज वल्लाह वल्लाह या रफीका व
وحدت لين طلعت اربع خمسه سته سبعه ثمانيه عشره داسه تتعي بتاعها موجود انا ما فيكو خلي ولي ما في مشكله اي تيل ده خو ده خسره نشانه ليا والله والله يا رفيقه والله 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 هذا نكن هذا شروع كيتا تون هذا هذا پہلے تو جمون یا پہلے نکن جمون شروع کیتا تو هذا شرون والله یا میرے مالک بار بار یہ بے ہوش ہو رہا ہے نواز ارے بھائی کیا ہوا अरे के बताऊं बाबू तने यार के बताऊं यार मेरी लुगाई बोली के समसु के अब्बू जाके गांव से गाय ले आ और मैं गाय लेने चला गया दो दिन बाद वापस आया खाली हाथ बेगम मेरी नाराज होगी घड़ी नाराज हुई कहने लगे तू खाली हाथ क्यों आ गया गाय क्यों नहीं लेके आया हाँ। मैंने कहा जो भी गाय मिल रही थी काणी मिल रही थी हाँ। वो कहने लगा तूने दूध पीना था या गाय के साथ आंख में टक्का करना था ये हाँ हाँ जी ना ये क्या भाई शुरू करो बाकी सामान आ रहे हैं ये क्या है यार फिर बेहोश हो गया कि बन की गई है नवाज भाई होश करो ओ सही दा हो गया दे सही गेम कर रहे हां क्या जैसा बोते जिंदगी सारी हसाब पार गई ओए पट्ठे दी मिट्टी चट के एंजॉय करना ले की बन गई इने ते तू हे जाड़े मेरा पोस्टर मेरा बहु मेरे को कूड़ मरे ना ही हर वेले भौकी आ गई हर वेले गाल ही करे ना ही मैं को आके पोत्र कोई घर दे विच मेहमान आ वने ना इतना नहीं भी बोली था तो पहला लफ्ज हां जी आखने दूजा ना जी और पोत्र आखन लगा अब्बा जी तू सब बेफिक्र रहो उन कोई मेहमान आ सही मैं पहला लफ्ज हां जी आखसा दूजा ना जी इत्तेफाक देख एक दिहाड़े मेरा पोत्र घर कल्ला ते मेहमान आ गए उन्हें आके पोत्र भेण बेरा ठीक ठाक है उन्हें आखा हां जी उन्हें कहा वाले साहब ठीक है आधे ना जी ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਫਨ ਸ਼ਫਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਕੋ ਜੰਨਤ ਚ ਜਾ ਜੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਓਏ ਐਸੇ ਕਪੜਾ ਕਹਿ ਤੇ ਬੈਠ ਬੈਠ ਜਾ ਬੈਠ ਜਾ ਬੈਠ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਨਵਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਹੈ परेशान है दिमागी तवाजन तेरा ठीक नहीं रह गया अरे क्या बताए यकीन करो दिमाग का दही हो गया है कसम खुदा का क्या बताए दिल गरीब में आया है ओए मछली दा कंडा संग च फसा के पूरे मोहल्ले नु परेशान करने वाले अरे जब मैं मछली का शिकार करने गया अरे मछली ने हमें निगल लिया ओए बंगालिया दी कश्ती च सुराख करके हसन आ लिया अरे निगल के बाद तूक दिए करा अजम ही नहीं हो रहा तुम हमको यकीन करो अरे ना अजम होने ने हमको बचाया है ओए चोला नु पापा कह के खाना लिया कुछ मेरा दिमाग का दही हुआ के मछली ने हमको अजम ही नहीं किए ना अरे चिमगादड़ है इससे वायरस फैला है अच्छा अरे इसको गैप करो जाओ टीका लगवा के आओ ये चीनी के चमड़े कितने डाल लिए नाक में अरे अरे बकवास बंद करो जाओ दफाओ इधर से चाय लेकर आओ चलो चाय मैं कप लाइयो चाय रस्से च पवा लेना तुसी अरे क्या ये तो बिल्कुल शेखों का घर हो गया यार कमाल बात है मुंह साफ करो कैसी थी चाय अच्छी थी ना अरे हाँ टूथपिक ले आओ चिकन चाय पीने का बड़ा मजा आया है अरे ऐसा मनुष्य आदमी रखा है यकीन दिमाग का फिर तो गिलास भी इतना हो गया ओए तेनु बन की गई है की कहता सुहेल साहब ने अदा इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया खानदान बर्बाद हो गया है सैलाब में ओए मनोड़े छाल मार के विचो छुआनिया लबन आ लिया सब फौत हो गया है सिर्फ हमारी फूफी बची थी
तो बाबा ऊपर से जो भेज रहा था हमें सामान, राशन भेज रहा था, उसके अंदर घी का डब्बा भी था, उसने हेलीकॉप्टर से फेंका तो वो फूफी के सर पे लगा है। फूफी जो बची थी वो भी फोत हो गया है, अब कोई नहीं बचा है, एक बच्ची चाहिए, हमने खानदान बढ़ाना है। सिंधी कुहाड़ी नाल प्यो दी शेव करना लिया बाबा, ये मैं कि तेनू रिश्ते कराने वाला लग रहा है, की समझ ले मेनू की हो गया तेनू? बेहोश नहीं, बेहोश नहीं, पानी थोड़ा किथे फस गया। सवेर साहब ने की तेनू एडा कह दिता है? देखो मेरा भाई, मेरा बात सुनो, यकीन करो जो बिजनेस किया बर्बाद हो गया है। ओए पत्थर चट के वापस आने ले, बस के पीछे भागता है, धुआं लगा है, काला हो गया है, मेरा कद छोटा इस वजह से रह गया है, अब्बा जी ने मेरा किस्ते पूरी नहीं दिए, मैं यकीन करो बर्बाद हो गया, पागल हो गया है। नसवार नु कौमी फल करार देने ले, यकीन जो काम करो मेरा बिल्कुल काम खराब हो गया, हर काम में अब प्रॉफिट रहा ही नहीं, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है भाई, मैं अकेला आदमी क्या करे। टेप च बंब लुका के ले आना ले, 7,000 दा क्लीन 350 च बेचने वाले, 25 रुपया की हो गया फस गया मैं। आए देखो यार, मेरी बात सुने, आप देख नहीं कर रहे, आपके साथ आपको पता है कि मैं आपके घर आया हूँ, तो घर आने का मतलब यह तो नहीं है कि आप मेरे तो बदतमीजी करें। बस कर दे, पुरानी जीप का मोबाइल लेना नहीं रुकता है, आप ऐसे ऐसे लोगों को बुला के मेरी तबीयत ज्यादा खराब करना चाहते हैं, आपको इतनी तो सहन होनी चाहिए कि आपका भाई आपके घर में आया है, आपका इतना तो फर्ज बनता है कि इसका कोई खाना, कोई नाश्ता, कोई रोटी, कोई पानी का आज तो बंद करना चाहिए, तो आप ऐसे जब ये देखो ना, ऐसी शक्लें कसाई के फट्टे पर पड़ी होती हैं, और ये या कसाई के फट्टे पर होती हैं या फट्टे के नीचे होती हैं, और आपने आपने घर में बुला लिया आपको। केड़ी फिल्म वेख बैठा, बार बार बेहोशी हो जा रही है, छटा ना मारना, दो दिन बेहोशी रहने। नहीं ऐसा नहीं, गल नहीं करी दी भरा है, छेती जा किसी डॉक्टर नु बुलाओ, दी तबीयत वेख। फिर तू सदिया में उड़ दी, oh, no. तेरे प्यारे ने होश बुलाई, माही वे मेरे हाने दया, माही वे मेरे हाने दया। नांदी मेम दे कपड़े लुका के ताड़ियां मारन ले आ, तुम की दस यकीन कर, सैमी फिल्म विकणस ते गईया, एक पासे औरतों दी लाइन लगी सी, एक पासे मर्दां दी लाइन लगी सी, मैं औरतों दी लाइन च खड़ोती गई, औरतां ने मैनूं वेख्या, उहनां दी चीकां निकल गईयां, मैं भज के मर्दां दी लाइन च वड़ी, उत्थे मेरी अपणियां निकल गईयां, मैं तुहानूं की दसां कि मैं जिंदगी मेरी बा हाय, मैं मर गई बाए, फिर तू इत्थे वी आ गया खुसरा बन के बेहोश हो अंदरों कुंडी ला। बाबा सब जानदा की होया, जिंदगी दे सारे हालात में जानना, तेरा नाम की है? हसन मुराद जी। ए पता पापे नु ना दस, तेरा नाम हसन मुराद है, तेरा की नाम है? बशीर। ना दस बशीर, पता है गलत दसन दे, तेरा नाम रिजवान नक्का, बाबा जानदा। यकीन कर कर रोती करती पकड़े कार कटर में चुग बराही के रास्ते चलती कोपड़ी, आ आ आ मिनेड़े नेड़े आ टल डरन डरले रसी दे टंड पा। मेरा भरा मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो गया या अल्लाह रहम कर। किसी डॉक्टर नु लेके आओ, दी तबीयत देख की 15 दा नंबर है जी मेरे को, अब 15 ते फोन करके ना डॉक्टर दा नंबर लै ते फौरन बुला। अच्छा जी, बल्कि मैं आप जाना जी, लेके आऊं डॉक्टर। जल्दी जा, जल्दी जा। सन कौन है अपने घर च यार, दफ्तर दे विच, दफ्तर दे विच ठीक है, पानी पड़े यार विच। नहीं नहीं तेनू लाई जा रहे हैं, मैं तो इंज लगदा जिवें मैं पुंगरन डे आ, पुंगरन नहीं डे आ मैं, नहीं कुछ भी नहीं है, तेनू कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल है। अच्छा हां, ना तू कदी सिंधी हो ना कदी रोहतकी हो जन्ना, मैं ना तू कदी
नहीं कुछ नहीं ऐसी गल अठ नौ बच्चे घेरा पा के बैठे सन ये कौन है ये जी बच्चियां दे डॉक्टर ने जी डॉक्टर ये ते आप डॉक्टर नु विखाण वाले ने ए डॉक्टर साहब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम ए डॉक्टर दे साशे ने ओए मैं डॉक्टर एमएम अच्छियां एमएम अच्छी हां बस की मतलब जी ओए जेडे अच्छियां तो बाद डॉक्टर नहीं बनदे जी जी पहले तू अच्छीवा मरीज बनेगा जब मेरे बाद डॉक्टर बनेगा ये हाथ मेरे तो साफ करना चाहता नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हां नहीं 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 मेरी गल सुनो मैं बिल्कुल ठीक हां तुसी मेनू आम डॉक्टर समझदे हो जदों दा मैं इत्थे आया कब्रिस्तान भरया पे नहीं नहीं मजाक कर रहे ने नहीं नहीं मैं सही कह रहे एक बंदे नु चैन ना सी आंदा अच्छा मैं ओनु साइकिल दी चैन पाती नवाज अंजम में साडा आर्टिस्ट है करके तेरे कान च गया फिर जी तेरे कार दे विच जो परेशानी है वो दूर हो जाए ते ठीक हो जाएगा अरे क्यों नहीं एकदम पास इलाज हो सकता है जे तेरे बच्चियां दियां फीसां चलियां जान ते ठीक हो जाएगा अजी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो हम तो सारे खुशवास हो जाएंगे अच्छा जे तेरे कार दे बिल भी फौरन तो पहले अदा हो जान ते ठीक हो जाएगा देखो बच्चे हम हर प्रॉब्लम से ठीक हो सकते हैं ये ज़हनी टेंशन की वजह से दिमाग रुक रुक के चल रहा है जी तेनु प्रोड्यूसर टाइम ना पैसे देन ते ठीक हो जाएगा ये जरा मेरा हकला पानी ना ये सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा बस डॉक्टर साहब मैं दा प्रॉब्लम समझ गया मुफलिसी जड़ी है ना हिस्से लताफत खो लेती है फनकार नु कदी कोई अल्लाह दी रहमत ना बीमारी नहीं हो सकती फनकार नु सिर्फ जदों भी लगी है मुआशी बीमारी ही लगी है टाइम सिर बिजली का बिल जावे बच्चों की फीस जावे मकान दे किराए जान है किचन प्रॉब्लम कोई ना होवे गड्डी सिलसिला क्योंकि फनकार दी प्यारी चीज है ये मौका ही नहीं आना चाहिए कि भी ये आके स्क्रीन दे उत्ते कोई अपने इलाज वास्ते या अपनी बीमारी वास्ते लोगों नूं कवे इन्हूं तो वैसे ही रजाना चाहिए ओए आओ अज रल के दुआ करिए अल्लाह पाक तमाम फनकारां दे मुआशी हालात ठीक कर आमीन नहीं क्यों ओए जे सारे फनकारों दे हालात ठीक हो गए ते इन्हां ने दूजी शादी कर लेनी है